mole analysis. In last lecture, we were discussing about what is the mole mole analysis. Mole mole analysis is used to find out the amount of unknown reactant or product with the help of amount of reactant and product are given. But you know, the mole mole analysis is, we should apply only a balanced chemical equation. So in last video, in last lecture, we learned about that how can we balance. By using the heat and trial method, we balance a chemical equation and what is the mean of mole-mole analysis. Now we have two cases in a given chemical reaction. One case is such that the all reactants are completely consumed. All given amount of reactant are completely consumed. And other case is such that all reactants are not consumed. Some reactants are left unreact. How can we judge that? Which case are given in our chemical reaction? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट दिए हुए हैं वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं या नहीं? तो इसके लिए हमें क्या होगा, अगर हमें जो रिएक्टेंट्स के मोल का रेशियो दिया गया है, रिएक्टेंट्स के मोल का जो रेशियो हमें दिया गया है, अगर वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के इक्वल है, सेम है, दिए हुए मोल का रेशियो वही है जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, तो हमें पता चलेगा कि ऑल रिएक्टेंट आर कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, सारे रिएक्टेंट कम्प्लीटली कंज्यूम होंगे. अगर दिए हुए रिएक्टेंट्स का मोल रेशियो उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो के इक्वल है और हम सभी के ऊपर मोल मोल एनालिसिस अप्लाई करेंगे, तो आज हम उन्हीं केसेस का यहाँ पर एग्जांपल लेंगे जिसमें सारे रिएक्टेंट कम्प्लीटली कंज्यूम होंगे, यानी कि रिएक्टेंट के जो मोल रेशियो है वो वही होंगे जो उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो के इक्वल होंगे. तो हमारा केस फर्स्ट है, इफ ऑल रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कंज्यूम्ड. फर्स्ट केस हम ये ले रहे हैं जिसमें सारे रिएक्टेंट कम्प्लीटली कंज्यूम होंगे. हमें कैसे पता चलेगा, इफ गिवन मोल रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स आर सेम एज इन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. अगर रिएक्टेंट्स के मोल का रेशियो वही है जो उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है, देन ऑल रिएक्टेंट आर कम्प्लीटली कंज्यूम्ड एंड मोल मोल एनालिसिस अप्लाई टू ऑल रिएक्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, 3 mole nitrogen gas react with 9 mole hydrogen gas. 3 mole nitrogen gas react with 9 mole hydrogen gas. Calculate volume of ammonia gas formed at HTB. अगर नाइट्रोजन गैस के 3 मोल हाइड्रोजन गैस के 9 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एचटीपी कंडीशन के ऊपर अमोनिया गैस का जो वॉल्यूम बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है. हम पहले मोल निकालेंगे, मोल से मोल निकालेंगे, मोल को हम मोल में कन्वर्ट कर लेंगे. तो सबसे पहले हमारा मोल मोल एनालिसिस के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो वी राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस. दिस इज द इक्वेशन बट अनबैलेंस्ड इक्वेशन. नाउ वी कन्वर्ट इनटू बैलेंस इक्वेशन, वी राइट टू हियर एंड टू नाइट्रोजन एटम हियर, टू नाइट्रोजन एटम हियर एंड 3 H2, हाइड्रोजन 6 एंड 6. दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नाउ वी अप्लाई द मोल मोल एनालिसिस. मोल मोल एनालिसिस कैसे लिखते हैं, मोल हाइड्रोजन अपॉन इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है. हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है 3:1. दिस इज द रेशियो ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड वी गिवन द मोल रेशियो. हाइड्रोजन, द मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 9 एंड मोल ऑफ नाइट्रोजन इज 3. मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 9 एंड मोल ऑफ नाइट्रोजन इज 3. द गिवन मोल रेशियो, गिवन मोल रेशियो ऑल्सो इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो. 1:3 ही है, ये भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो भी 1:3 ही है और मोल रेशियो भी 1:3 है. मैंने आपको बताया था अगर मोल का रेशियो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के इक्वल हो, इट मीन दोनों रिएक्टेंट जितनी हमने नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के अमाउंट लिया वो कंप्लीट कंज्यूम होगी और हम
रिजल्ट किसी के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। अमोनिया गैस की कितनी अमाउंट बनेगी वो हम दोनों के हिसाब से निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों ही कंप्लीट रिएक्ट करेंगे। तो हम नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं और हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग भी। अब सपोज करो अगर हाइड्रोजन के सारे मोल रिएक्ट ना करते, 9 मोल में से हाइड्रोजन के कुछ मोल अनरिएक्ट हो जाते, तो क्या हम यहाँ पर हाइड्रोजन के अमाउंट देखकर, हाइड्रोजन के जो मोल दिए हुए होते उससे हम अमोनिया बता सकते थे? जो रिएक्टेंट कंप्लीट कंज्यूम कर ही नहीं रहा उसकी अमाउंट देखकर हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा? प्रोडक्ट की अमाउंट डिसाइड करने वाला कौन होगा? जो रिएक्टेंट कंप्लीट कंज्यूम करेगा। और यहाँ पर तो सारे ही रिएक्टेंट कंप्लीट कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों ही रिएक्टेंट कंप्लीट कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे पता चल रहा है? देयर मोल रेशियो इज इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो। नाउ वी अप्लाई द मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस हम क्या करेंगे? मोल हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 इज इक्वल टू मोल नाइट्रोजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू मोल अमोनिया अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। वी हैव गिवन द हाइड्रोजन मोल इज 9, सो 9/3 इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन इज 3/1 इज इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया। वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट द मोल ऑफ अमोनिया, देन वी कन्वर्ट मोल इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सो अब अमोनिया के ये जो मोल बनेंगे वो इसके अकॉर्डिंग भी वही आएंगे और इसके अकॉर्डिंग भी वही आएंगे, क्योंकि दोनों ही रिएक्टेंट जो कम्प्लीटली कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ से भी मोल कितने आएंगे? 6। यहाँ से भी मोल कितने आएंगे? 6। सो मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड इज इक्वल टू क्या आ गया? मोल अमोनिया कितने बनेंगे? 6 मोल। और एक मोल का वॉल्यूम एचटीपी के ऊपर 22.4 लीटर होगा, सो वॉल्यूम ऑफ 6 मोल ऑफ अमोनिया 6 × 22.4 लीटर। दिस इज आवर आंसर। Now we do some more practice to understand this concept. We have given a question, A plus B plus C combined to form A2B3C4. If 0.6 mole of A, 0.9 mole of B and 1.2 mole of C combine, calculate the mole of A2B3C4 formed. सबसे पहले मोल मोल एनालिसिस लगाने के लिए जो हमारे इम्पोर्टेंस जो है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का होना। क्या ये इक्वेशन हमें जो दी गई है वो बैलेंस है? बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। A2 2A 3B + 4C 2 form A2 B3 C4। हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। अब हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर इनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो है 2:3:4। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो 2:3:4। अब हम देखेंगे जो मोल का रेशियो दिया गया है रिएक्टेंट का, क्या वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल है या नहीं। तो मोल का जो रेशियो दिया है, मोल है 0.6 और हमारे पास बी के जो मोल है वो है 0.9 और सी के मोल है 1.2। तो ये जो स्टोइकोमेट्रिक, ये जो हमारे पास मोल का जो रेशियो है ये क्या आ जाएगा? 2:3:4। तो हम देख रहे हैं मोल का जो रेशियो हमें दिया गया है वो और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है? सेम है। अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो मोल रेशियो सेम है, इट मीन ए बी और सी की जितनी अमाउंट हमें दी गई है वो सारे क्या होंगे? कम्प्लीटली कंज्यूम होंगे। 0.6 मोल ए के, 0.9 मोल बी के और 1.2 मोल सी के जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम होंगे। तो इसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस क्या करेंगे हम? मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ बी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, मोल ऑफ सी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 इज इक्वल टू मोल ऑफ A2B3C4/1। वी हैव टू कैलकुलेट द मोल ऑफ A2B3C4 फर्स्ट। मोल ऑफ ए आर गिवन, योर मोल ऑफ ए आर 0.6/2, मोल ऑफ बी 0.9/3 एंड मोल ऑफ सी 1.2/4। सो वी कैन कैलकुलेट द मोल ऑफ A2B3C4 फर्स्ट। अब आप देख रहे हो क्योंकि सारे ही रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग, इसकी किसी भी रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग निकालोगे इसके मोल जो आएंगे वो कहेंगे सेम आएंगे। यहाँ से भी कितने आएंगे? 0.3। यहाँ से भी कितने आएंगे? 0.3। यहाँ से भी कितने आएंगे? 0.3। सो मोल ऑफ A2B3C4 फॉर्म इज 0.3 मोल।
0.3 मोल्स की बनी है। तो ये थे हमारे पास ऐसे कुछ केसेस जिसमें सभी रिएक्टेंट कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड केस हम लेंगे, अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट दी गई है उसमें सारे रिएक्टेंट कम्प्लीट कंज्यूम नहीं करते, शायद कुछ रिएक्टेंट एक्सेस में रह जाते हैं, कुछ रिएक्टेंट की अमाउंट क्या होगी एक्सेस में दी होगी, कुछ रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा और वो जो एक्सेस में बचेगा वो रिएक्टेंट अनलेफ्ट रह जाएगा। तो जो रिएक्टेंट लेफ्ट रह जाता है वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में नहीं गया, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट की अमाउंट डिसाइड करने वाला वो रिएक्टेंट होगा जो कम्प्लीटली कंज्यूम करेगा। कम्प्लीटली कंज्यूम कौन करेगा, जिसकी सारे अमाउंट खत्म हो जाएगी, जो सारा रिएक्ट कर जाएगा, उस रिएक्टेंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिएक्टेंट कंप्लीट कंज्यूम कर जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाएगा उसको बोलेंगे हम एक्सेस रिएजेंट। एंड लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, लिमिटिंग रिएजेंट ही अमाउंट की प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। एंड वी शुड अप्लाई द मोल मोल एनालिसिस ओनली ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। तो मोल मोल एनालिसिस हम सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट पर अप्लाई करेंगे, एक्सेस रिएजेंट पर हम मोल मोल एनालिसिस अप्लाई नहीं करेंगे। अब सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमें कैसे पता चलेगा विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड विच वन इज एक्सेस रिएजेंट। तो इसके लिए हम लेते हैं कुछ एग्जांपल जिससे हमें पता चल जाए और हम कैसे निकालना सीखें लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट और उसके ऊपर मोल मोल एनालिसिस कैसे अप्लाई करें। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड मोल मोल एनालिसिस। 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंबाइंड विद 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। Calculate first limiting reagent, excess reagent and mole of ammonia gas point. क्या कर रहा है, सबसे पहले हम एक बैलेंस करने के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस, बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक आ जाएगा, चलिए हमारे पास बैलेंस करने के लिए इक्वेशन हो गई। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, 3, 2, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब हम देख लेते हैं हमारे पास मोल का जो रेशियो दिया गया है, रिएक्टेंट के मोल का जो रेशियो दिया गया है, क्या वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो की इक्वल है या नहीं। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो की इक्वल नहीं आएगा तो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का केस बनेगा। तो अब हमारे पास जो दिया गया है, नाइट्रोजन के मोल दिए गए 5 और हाइड्रोजन के जो मोल दिए गए हैं वो 20, यहाँ पर रेशियो 1:3 और ये रेशियो होगा हमारे पास 1:4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अब की बार में जो मोल का जो रेशियो दिया गया है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब अब ये ऑल रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंप्लीट कंज्यूम नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो मोल रेशियो इज नॉट इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो। अब हम पता लगाएंगे विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड विच वन इज एक्सेस रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट हम यूनिटरी मेथड से भी पता लगा सकते हैं, और इसको पता लगाने का एक और तरीका भी है। हम क्या करेंगे, जो मोल हमें दिए गए हैं, हमें मोल दिए गए हैं मोल नाइट्रोजन, उसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लेंगे। मोल हाइड्रोजन, उसको उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम डिवाइड करके देखेंगे। तो मोल हमें नाइट्रोजन दिए गए हैं 5 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, इसी तरह से मोल हमें हाइड्रोजन दिए गए हैं 20 और इस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 3। तो यहाँ पर जो बड़ा आएगा, जो चीज बड़ी आएगी वो होगा एक्सेस रिएजेंट और जो कम आएगा वो क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये तो आएगा 5 और ये हमारे पास क्या आएगा 6 समथिंग आएगा ही। तो यहाँ पर जो कम आएगा ना, हम क्या करेंगे गिवन मोल को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके देखेंगे, जो कम आएगा वो कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट और जो ज़्यादा आएगा वो कौन होगा एक्सेस रिएजेंट। सो लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और हाइड्रोजन गैस है वो एक्सेस रिएजेंट है। इसका मतलब नाइट्रोजन गैस जो होगी वो उसके 5 के 5 मोल रिएक्ट कर जाएंगे लेकिन हाइड्रोजन के 20 मोल रिएक्ट नहीं करेंगे। यही बात हम यहाँ से यूनिटरी मेथड से पता लगा सकते थे। देखो नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो नाइट्रोजन के 5 मोल हाइड्रोजन के कितने मोल के साथ रिएक्ट करेंगे, 1 मोल 3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 5 मोल 15 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो 15 मोल हाइड्रोजन ही खत्म हो पाएंगे, 5 मोल तो फिर भी लेफ्ट रह जाएंगे ना। यूनिटरी मेथड से पता लगा सकते हैं या फिर कैसे पता लगा रहे हैं, मोल को
को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके देखेंगे, जो कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट और जो ज्यादा आएगा वो क्या होगा एक्सेसरी एजेंट। अब जब हमें ये पता चल जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट जो खत्म होगा वो रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट खत्म होगा वो प्रोडक्ट के अमाउंट डिसाइड करेगा ना। अब हाइड्रोजन के जब पांच मोल रिएक्ट ही नहीं करेंगे वो कैसे बताएगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि अमोनिया कितनी बनेगी। इसलिए मोल मोल एनालिसिस सिर्फ हम लिमिटिंग रिएजेंट पर अप्लाई करेंगे। अब लिखते हैं मोल मोल एनालिसिस। अब हमें पता लग गया लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसरी रिएजेंट का, तो पूछा था इसने हमसे लिमिटिंग रिएजेंट, तो नाइट्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और एक्सेसरी रिएजेंट कौन है हाइड्रोजन। उसके बाद मोल ऑफ अमोनिया गैस फॉर्म मोल मोल एनालिसिस अप्लाई कर लेते हैं। मोल एन टू अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल एच टू अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लेकिन हम यहाँ पर जो मोल दिए गए हैं वो पुट नहीं करेंगे। इज इक्वल टू मोल एन एच थ्री अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू, मोल एन टू के कितने दिए गए हमें फाइव अपॉन वन। यहाँ पर हम हाइड्रोजन के 20 मोल नहीं पुट करेंगे। ये कौन से मोल हैं? ये हाइड्रोजन के वो मोल हैं जो रिएक्ट करेंगे, जो कंज्यूम होंगे। ये मोल कौन से होंगे? जो कंज्यूम होंगे, यानी कि जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ये वो मोल हैं। ये भी हम पता लगा सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले अब हम पता लगाएंगे मोल ऑफ अमोनिया। अमोनिया गैस के कितने मोल बनेंगे, कितने बनेंगे यहाँ से पता चल रहा है तुम्हें, 10 मोल बनेंगे। तो मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 10। यही बात हम यहाँ से भी पता लगा सकते थे यूनिटरी मेथड से, एक मोल से दो बन रहे हैं तो पांच मोल से कितने बनेंगे 10 बनेंगे, तो अमोनिया के मोल बनेंगे 10। अब यहाँ से अगर तुम 20 रख के पता लगाते तो ये गलत आता, क्योंकि 20 से 20 हाइड्रोजन के मोल कंज्यूम ही नहीं कर रहे। अब हमसे ये पूछ लिया जाए कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एक्सेसरी एजेंट हाइड्रोजन इज कंज्यूम, ये वो है जो कंज्यूम होंगे। तो ये कंज्यूम कितने होंगे ये भी तो पता लगा सकते हैं, कितने हो जाएंगे कंज्यूम NH2 यानी कि कंज्यूम होंगे वो 5 × 3 इज इक्वल टू 15, 15 मोल कंज्यूम होंगे। अनरिएक्ट कितने बच जाएंगे 5 मोल अनरिएक्ट बच जाएंगे। यही बात हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं, एक मोल 3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 5 मोल 15 के साथ, यानी कि 15 मोल ही हाइड्रोजन के क्या होंगे कंज्यूम, 5 मोल अनरिएक्ट रह जाएंगे। तो ये है हमारे पास मोल मोल एनालिसिस रिएक्शन के अंदर, पता लगा सकते हैं कौन रिएक्ट करेगा, कौन लेफ्ट रह जाएगा, कौन एक्सेस, कौन लिमिटिंग, प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो क्या बनेगी।